ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के गुरु वायूरप्पन मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही मोदी का तुलादान भी करवाया गया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की अभिनव सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम लोकसभा चुनाव में सिर्फ राजनीति के लिए मैदान में नहीं थे, बल्कि जनसेवा हमारा लक्ष्य है। भले ही यह हमारा खाता ना खुला हो, लेकिन जनता का आभार जताने के लिए मैं यहां आया हूं। ये हमारी सोच और संस्कार है। योगी सरकार ने 27 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं, साथ ही STF को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तबादला सूची में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भी अधिकारियों की तैनाती में बड़े फेरबदल किए गए थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर है। बताया जा रहा है वारदात को अंजाम देने वाले तीसरे आरोपी मेहंदी हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से हत्या के मामले में पूछताछ हो रही है। मेहंदी हसन से पहले बच्ची के पिता की शिकायत पर इस मामले में जाहिद और असलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने 2 सालों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव जाहिर किया है। असलम का कहना है कि जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ने की बात कही थी, तब मैंने एक पत्र लिखा था और कहा था कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। पत्र में मैंने कहा था कि अगर राहुल इस पद पर बने रहना चाहते हैं तो वो अच्छे से इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं रहना चाहते तो मैं इस पद की जिम्मेदारी 2 साल के लिए लेना चाहूंगा। देश भर में भीषण गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली NCR सहित कई राज्य हैं जिनमें गर्मी का कहर टूट पड़ा है। भोपाल में गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज भोपाल में पारा 45.9 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। इसके साथ ही भोपाल में गर्मी का 40 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई महीने से अपने आवास ऋण की ब्याज दरों को रेपो दर से जोड़ने की घोषणा की है। बैंक ने एक बयान जारी कर कहा, हम 1 जुलाई से रेपो दर से जुड़े आवास ऋण की पेशकश करेंगे। बैंक अपने अल्पकालिक कर्ज और बड़ी जमा राशि की ब्याज दरों को रेपो दर से पहले ही जोड़ चुका है। रेपो दर रिजर्व बैंक तय करता है। इस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को 1 दिन के लिए नकदी उधार देता है। महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर भारतीय सेना के बलिदान बैज को लेकर ICC की आपत्ति पर सोशल मीडिया में भी जमकर बहस हो रही है। ज्यादातर भारतीयों ने महेंद्र सिंह का समर्थन करते हुए ICC की आलोचना की है। पत्रकार आदित्य राज कौल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, महेंद्र सिंह धोनी के बलिदान बैज पर ICC का रुख बचकाना है। ये फैशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक महत्व है। ICC ने भारतीय सेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। कल भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस मैच में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर कमेंट्री करते नजर आ सकते हैं। गौतम ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है कि वो कुछ दिनों के लिए मुंबई कमेंट्री के लिए जाएंगे और वर्ल्ड कप में स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पर कमेंट्री करते दिखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि उन्होंने यह खत दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद को लेकर लिखा है। इमरान ने PM मोदी से साउथ एशिया और पड़ोसी देशों में शांति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम लोगों को मिलने वाली राहत का सिलसिला अभी भी जारी है। आज पेट्रोल की कीमत में 22 से 24 पैसे की कटौती हुई, तो वहीं डीजल में 25 से 27 पैसे की कमी दर्ज की गई। बीते 10 दिनों में 9वीं बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। आज महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। पास स्टूडेंट की संख्या 77.10 बताई जा रही है। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 100% मार्क्स आए हैं, तो वहीं 25,941 स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए नासा को चंद्रमा पर जाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने 50 साल पहले ऐसा किया था। ट्रंप का कहना है कि उसे रक्षा और विज्ञान सहित बहुत बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ट्रंप की इस घोषणा ने कई अंतरिक्ष प्रेमियों को चौंका दिया है। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन की रिपोर्ट के अनुसार थाना अमरिया पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त में आए बाइक चोरों की निशानदेही पर आधा दर्जन बाइक बरामद की गई हैं और इसके साथ ही 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली के नागलोई से भी 3 बाइक चोरी की है। एएसपी ने मामले का खुलासा करने के बाद चोरों को जेल भेज दिया है। ये थाना अमरिया क्षेत्र में इंस्पेक्टर और उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ये सूचना मिली कि कुछ बदमाश इकट्ठा है जो वाहन चोरी का काम कर रहे हैं, जिस पर ये मौके पर गए। तुमड़िया नहर पुल है, वहाँ पर इन्होंने उनको घेरा। उधर से एक फायर भी करने की बात आई और फिर इन्होंने घेर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर एक तो मौके से और इसके अलावा निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी के बाद जो जोनस और गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टार सोफी टर्नर की शादी की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि सोफी और जो ने सीक्रेट मैरिज करके सबको चौंका दिया था और अब ये कपल अगले महीने एक बार फिर शादी रचाने जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।